सो हाय गाइस, हमने जस्ट डिस्कस किया कि कर्नल ट्रिक क्या होता है SVM में, और ऑल्दो हमने अभी तक बहुत ज़्यादा डीपली मैथमेटिकली नहीं पढ़ा कि व्हाट आर द वेरियस कर्नल फंक्शंस जैसे कि RBF या फिर पॉलिनोमियल, बट स्टिल व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू वन एग्जांपल, वन लाइव कोड वेर यू कैन सी, एक्चुअली यू कैन सी द पावर ऑफ कर्नल ट्रिक. ठीक है, सो मैं एक नॉन लीनियर डेटा सेट लूँगा और मैं उसके ऊपर अप्लाई करूँगा ये कर्नल ट्रिक, एंड यू विल बी एबल टू सी कि कैसे आप नॉन लीनियर डेटा को भी क्लासीफाई कर पा रहे हो यूजिंग लीनियर सर्फेसिस. ओके, सो मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इस पॉइंट पे मैं उसको स्किप करके आई जस्ट वांट टू क्रिएट दिस अंडरस्टैंडिंग सो दैट आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि ये पूरा चीज़ कैसे काम कर रहा है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. आई विल शेयर माई स्क्रीन. So I have already created a notebook. I'll just maximize the window. Yeah. So guys, I've already created the window. I've already created the notebook. So these are some of the imports. मैं ये share कर दूँगा notebook. इसको एक बार मैं run कर लेता हूँ. और उसके बाद using scikit-learn sample generator class, I have created a data set which looks like this. ठीक है, इट्स अ नॉन लीनियर सॉर्ट ऑफ डेटा सेट, मतलब आप इसमें कहीं भी लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करो, यू वोंट गेट अ गुड क्लासीफायर, राइट, बिकॉज यू कैन सी ऑब्वियस रीजन है. ठीक है, अब क्या करते हैं, द अप्रोच वुड बी दिस कि पहले मैं इसके ऊपर सच में एक नॉर्मल SVM लगा के देखूंगा जहाँ पे आप लीनियर SVM अप्लाई करोगे, एंड यू वुड सी जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आएंगे, और फिर हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे विद अ नॉन लीनियर कर्नल, दैट इज RBF कर्नल और the polynomial kernel. Okay, so let me show you. मैंने क्या किया यहाँ पे, first of all these are some obvious steps. मेरे पास 100 data points थे by the way, अगर आप ऊपर notice करो, so I have generated 100 data points. Okay, और वो मेरे x और y में stored है. X में मैंने उनका x और y coordinate store किया है और y में मैंने उनका label store किया है. ठीक है, so there are two labels, red and blue. Now if I go back, I have done this train test split, right? उसके बाद हमने क्या किया, एक क्लासीफायर ऑब्जेक्ट बनाया ऑफ SVC क्लास. ठीक है, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर का हमने बनाया, और हमने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया कि हमें लीनियर कर्नल चाहिए. ठीक है, मतलब मैं लीनियर SVM करना चाहता हूँ, और फिर हमने क्या किया, फिट किया और वाइप्रेट कैलकुलेट किया. ठीक है, और वाइब्रेट कैलकुलेट करने के बाद मैंने एक्यूरेसी स्कोर निकाला, एंड इट केम आउट टू बी 55%, ओनली 55%, एंड इट वाज बाउंड टू हैपन, राइट, मतलब हमारा डेटा वो टोटली नॉन लीनियर और हम उसके ऊपर एक लीनियर क्लासीफायर लगा रहे थे, तो रिजल्ट्स खराब आने ही थे. इनफैक्ट व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिटन दिस फंक्शन प्लॉट डिसीजन बाउंड्री, इसको यूज़ करके आप एक्चुअली देख सकते हो कि हमारा लीनियर SVM ने कैसे क्लासीफाई करने का ट्राई किया. और ये रहा वो, ये रहा मेरा टेस्ट वाला डेटा सेट, मैंने टेस्ट वाला डेटा सेट भेजा और अपना क्लासीफायर ऑब्जेक्ट भेजा, और उसने प्लॉट कर दिया कि गिवन, इनफैक्ट लेट मी गिव द एंटायर एक्स एंड द एंटायर वाई, एंड यू कैन सी ये हो रहा है. ठीक है, सो इसने ऑलमोस्ट इतने ब्लू पॉइंट्स को गलत क्लासीफाई किया, बिकॉज ऑब्वियसली लीनियर सर्फेसेस इसके ऊपर काम नहीं करने वाले थे. ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन. अब हमने क्या किया, हमने हमारे डेटा को ट्रांसफॉर्म करने का ट्राई किया, मतलब मेरा डेटा 2D में है बट मैं उसको 3D में लेके आऊँगा. ठीक है, और फर्स्ट आई विल शो यू कि मैंने क्या फंक्शन यूज़ किया है, और फिर मैं उसके पीछे का लॉजिक बताऊँगा कि कैसे वो फंक्शन ये काम कर पा रहा है. ठीक है, सो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया प्लॉट, 3D प्लॉट बोल के, और मैंने अपने हर एक्स को लिया और उसके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया. ठीक है, सो इसको बोलते हैं रेडियल बेसिस फंक्शन, RBF कर्नल होता है रेडियल बेसिस फंक्शन. इसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में, बट फॉर नाउ बस ऐसे समझो कि मैंने अपने हर पॉइंट के लिए, मेरे हर एक्स पॉइंट के लिए, एक्स में क्या था, मेरे 100 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, मैंने हर पॉइंट के लिए एक आर कैलकुलेट किया. इस आर को आप समझ सकते हो z एक्सिस पे उस पर्टिकुलर पॉइंट का वैल्यू. ठीक है, तो मैंने अपना x और y कोऑर्डिनेट पास किया इस फॉर्मूले में, और हर पॉइंट के लिए मैंने r निकाला. ठीक है, और उस R को यूज करके मैंने 3D स्कैटर प्लॉट को प्लॉट किया बाय गिविंग माय X कोऑर्डिनेट, माय Y कोऑर्डिनेट एंड माय Z कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इसको मैंने जैसे ही रन किया गाइस, ये देखो मेरा वो जो नॉन लीनियर कंसेंट्रिक सर्कल टाइप डेटा सेट था उसको मैंने क्या किया, सेंटर में जो रेड पॉइंट्स थे उनको उठा करके ऊपर ले आया और ब्लू वाले पॉइंट्स अभी भी वहीं पर हैं। And now that this data set is in 3D, what you can do is आप एक plane से you can create a decision boundary और आप बहुत easily classify कर सकते हो अपने points को। So जो हमने idea discuss किया था last video में वो यहाँ पे clearly दिख रहा है कि because हमने वो function apply किया उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका 2D data set 3D में आ गया और आप easily एक plane को use करके उसको classify कर पा रहे हो, ठीक है। Now what I'll do is I'll एक्सप्लेन कि ये फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रेडियल बेसिस फंक्शन। रेडियल बेसिस फंक्शन क्या होता है ये आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ ऐसे समझो कि ये जो फंक्शन हमने यूज किया exp⁻⁻x², दिस इज अ रेडियल बेसिस फंक्शन। और इसने क्या किया, हमारे डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू 3D स्पेस। कैसे वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो अगर आप सोच के देखो जब हमारा डेटा इनिशियली यहाँ पे था तो इसको देख के समझ में आ रहा था कि अगर मुझे इसको किसी भी तरीके से लीनियरली क्लासीफाई करना है और इसको हायर डायमेंशन में लेके जाना है तो वन अप्रोच कुड बी कि सेंटर वाले पॉइंट्स को मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊं, राइट, दैट कुड बी वन अप्रोच। तो मतलब इसके ऊपर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन क्या होगा। सो रेडियल बेसिस फंक्शंस कुछ ही होते हैं, 3-4 ही होते हैं, आप उनमें से ही कुछ ट्राई करते हो और उनमें से एक होता है ये फंक्शन। लेट मी शो यू, ये डेस्मोस हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो आपने एक फंक्शन यूज किया y = e⁻x² एंड गाइस दिस इज द फंक्शन, ये देखो दिस इज द फंक्शन। ये अगर आप ये आपके पास डेटा पॉइंट्स हों और आप उसके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके सेंटर वाले पॉइंट्स थोड़े से उठ जाएंगे, राइट, इन कंपैरिजन टू अदर पॉइंट्स। और एग्जैक्टली यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन हमने हमारे डेटा सेट पे लगाया कि जो हमारे सेंटर वाले पॉइंट्स थे उनका z कोऑर्डिनेट थोड़ा सा उठा हुआ आया और बाकी सबका नीचे रह गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन हम एक नया फीचर स्पेस क्रिएट कर पाए जहाँ पे हम इन पॉइंट्स को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत ट्रिकी होता है, राइट, इसके पीछे का मैथ्स बहुत ट्रिकी है। इट्स बिकॉज मतलब अभी तो आप देख पा रहे हो कि सेंटर में था वो डेटा, बट हाई डायमेंशनल स्पेस में आप देख भी नहीं पाओगे और वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसको सेंटर मान करके आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। तो वहाँ पे SVM क्या करता है, वो हर डेटा पॉइंट को पकड़ करके एक बार ये काम करता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो अगर आपका थोड़ा सा शिफ्टेड होता, रेड पॉइंट थोड़े से शिफ्टेड होते तो आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते थे। आई विल शो यू x-5, ये देखो गाइस, अगर मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाया होता तो थोड़े से अगर इस साइड सेंटर्ड होता हमारा पॉइंट तो वो ऊपर आ जाता, ठीक है। अगर आपको इस साइड के लिए टैकल करना है तो आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाते। तो आप क्या करोगे, फॉर एवरी पॉइंट आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे, ठीक है। और फिर आप पता करोगे, मतलब SVM पता करेगा कि इनमें से बेस्ट रिजल्ट किस में आ रहा है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दिस इज कंप्यूटेशनली वेरी वेरी एक्सपेंसिव, राइट। जैसे जैसे डेटा बढ़ते जाएगा उनके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और यहीं पे बेस्ट चीज़ होती है SVM में कि आपको एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं करने होते। इफ़ यू थिंक, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, आपको ये ट्रांसफॉर्मेशंस एक्चुअली करने नहीं होते। आपको एक्चुअली एक थर्ड स्पेस बनाने का जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बनाया। ये जो प्लॉट 3D वाला डायग्राम है ये मुझे एल्गोरिदम को नहीं देना, ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए शो किया कि इंटरनली ये काम हो रहा है। होगा क्या कि यू नेवर हैव टू क्रिएट अ सेपरेट फीचर और सेपरेट कॉलम, होगा उतने ही कॉलम्स पे काम, बस आप कर्नल चेंज कर दोगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। अनलाइक पोलिनोमियल रिग्रेशन, इफ यू रिमेंबर, जहाँ पे आपको हर पोलिनोमियल डिग्री के लिए एक नया कॉलम क्रिएट करना पड़ता था, यहाँ पर यू डोंट हैव टू क्रिएट एक्स्ट्रा फीचर्स, आप बस उस फॉर्मूला में फिट करोगे अपने करेंट कोऑर्डिनेट्स और आपको रिजल्ट आने लग जाएगा। ये वाला पार्ट हम लोग मैथ्स में डिस्कस करेंगे जब हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे। बट फॉर नाउ ऐसे समझो कि कर्नल ट्रिक जो होता है उसकी वजह से कर्नल ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली करने के बदले आप बस उस फॉर्मूला में वैल्यू बिठाते हो और आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हो और आपको वैल्यूज मिलने लग जाता है। तो ये एक ट्रिक है जिसकी वजह से SVM आज इतना फेमस है, ठीक है। सो अब मैंने बहुत डिस्कशन कर लिया, लेट मी शो यू कि अब आप क्या करोगे। अब आप क्या करोगे, आप RBF क्लासिफायर बोल के एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे SVC का, और इस बार आप कर्नल रख दोगे RBF, दिस इज नॉट लीनियर, ओके। और फिर से आप डेटा अपना ट्रेन करोगे और प्रिडिक्ट करोगे, एंड गेस व्हाट, इस बार आपका एक्यूरेसी स्कोर इज कमिंग आउट टू बी 100%, राइट। और अगर आप प्लॉट डिसीजन बाउंड्री फंक्शन को कॉल करो और प्लॉट करो अपनी डिसीजन बाउंड्रीज को, तो यू कैन एक्चुअली सी दिस इज योर न्यू डिसीजन बाउंड्री जो क्रिएट हुआ है ऑन योर 2D ग्राफ, ठीक है। और गेस व्हाट, जैसा मैंने आपको बोला था, यू डोंट हैव टू क्रिएट एनी एक्स्ट्रा फीचर, कोई फीचर इंजीनियरिंग नहीं करना। जो कॉलम्स आपके थे उतने ही कॉलम्स, 2 ही कॉलम्स के ऊपर काम हुआ, बट ये कर्नल ने इंटरनली वो कैलकुलेशंस कर लिए, ठीक है। तो दैट्स द बेनिफिट, ओके। अब एक लास्ट चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा, एंड दैट इज कि आप चाहो तो पोलिनोमियल कर्नल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट पोलिनोमियल कर्नल, आई शो यू SVM scikit-learn में अगर आप जाओ तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, एंड दिस इज़ द डॉक्यूमेंटेशन गाइस, आई शो यू। यहाँ पर अगर आप थोड़ा नीचे जाओ तो यहाँ पे आप कर्नल का वैल्यू सेट कर सकते हो, हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हमने लीनियर और RBF यूज़ किया, अब हम पॉली यूज़ कर रहे हैं। और वहाँ पे एक डिग्री बोल के एक टर्म आता है जिसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज 3, एंड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कर्नल फंक्शन इग्नोर्ड बाय ऑल अदर कर्नल्स। ये डिग्री वाला टर्म सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है जब आपका कर्नल पॉली है, एज इन पोलिनोमियल। तो अभी हम क्या करते हैं, बाई डिफ़ॉल्ट 3 का डिग्री के लिए करते हैं, और इसको एक बार रन करते हैं। एक्चुअली मैंने कर रखा ऑलरेडी, तो यू कैन सी कि और भी ख़राब एक्यूरेसी आ रहा है अराउंड 45% का, और इसका डिसीजन बाउंड्री ऐसा दिख रहा है। ये है पोलिनोमियल कर्नल विद अ डिग्री ऑफ 3, बिकॉज बाय डिफॉल्ट द वैल्यू इज 3, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, ग्रिड सर्च CV जैसा टेक्निक यूज़ करके यू कैन ट्राई विथ डिफरेंट वैल्यूज़, लाइक अगर मैं डिग्री का वैल्यू 2 रखूँ और फिर से रन करूँ, you can see now my value is accuracy score is 1. so degree का value 3 के लिए it was coming out to be 45%, but degree का value 2 के लिए it's coming out to be 1, ठीक है। अब अगर मैं decision classifier boundary को plot करूँ तो you can see same, हमारे पास same boundary आ रहा है, ठीक है। तो guys that's it, मैं आपको एक last revision दे रहा हूँ कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे थे उस फंक्शन में। वो जो RBF फंक्शन था वहाँ पे आपने क्या किया था, आपके पास ये x है, दिस इज माई x, तो मेरे पास 100 कोऑर्डिनेट्स हैं, x और y कोऑर्डिनेट्स। सो दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, दिस इज द थर्ड पॉइंट। और आपने क्या किया, आपने बस इतना किया कि इस पूरे के पूरे x को इस फंक्शन के अंदर डाल दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, आपके x कोऑर्डिनेट का भी आपने e⁻⁻x² निकाला, आपने y कोऑर्डिनेट का भी e⁻⁻x² निकाला, और उसके बाद आपने क्या किया, इसके ऊपर सम कर दिया ऑन एक्सिस 1, मतलब x और y कोऑर्डिनेट को जोड़ दिया, x और y कोऑर्डिनेट को जोड़ दिया। और ऐसा करने से आपके पास एक 100 का ये आपका z कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। और फिर इसी को अगर आप प्लॉट करो, मैंने क्या किया है, मैंने बस सम करने के पहले x न्यू में स्टोर कर दिया, और मैंने x न्यू को प्लॉट किया तो देखो गाइस, एक्चुअली 2D में ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा दिख रहा है, 3D में ऊपर आ गया था, बट 2D में ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है। ये रेड वाले पॉइंट्स के लिए आपका x और y दोनों वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली जब जोड़ोगे तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा और आप ऊपर आ जाओगे y z कोऑर्डिनेट में, और इन सब का या तो x ज़्यादा है या तो y ज़्यादा है, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई ये नीचे रह गए, ठीक है। तो आई नो यहाँ पे काफ़ी कुछ हुआ और हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, बट ये नोटबुक मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, इसके साथ थोड़ा सा खेलो, यू कैन ट्राई विथ डिफरेंट फंक्शंस, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। और एक बार जस्ट गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन, इससे भी आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज कर्नल्स इन डिटेल इन द फ्यूचर वीडियोज़, ओके। सो आई थिंक आई वॉज एबल टू हेल्प, दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।